स्वर्ग और नरक यही हैं। स्वर्ग कहाँ और कैसा होगा? दोस्तों, स्वर्ग और नरक इन दोनों जगहों के बारे में हमें बचपन से ही सविस्तर एवं अच्छी तरह घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा यह बताया जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उनको मृत्युपरांत स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। दोस्तों, यह तो हुई बचपन की बात, परंतु बड़े होने के बाद हम सभी को प्रायः फिर से इन दो जगहों के बारे में जानने की जिज्ञासा कभी न कभी तो होती ही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम में से ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसे स्वर्ग के सुख की आश न हो। परंतु उसके पहले यह जानना जरूरी है कि जन्नत या स्वर्ग यह कहां और कैसा होगा? क्या वह पहले था और अभी नहीं है, या यही कहीं है पर हमें नहीं दिखता? इन सभी प्रश्नों का एक सरल उत्तर है कि स्वर्ग वो जगह है, ऐसा समय है जहां संपूर्ण सुख शांति है और दुख अशांति का कोई नाम निशान नहीं है। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा क्या? अधिकांश लोगों का यह मानना है कि स्वर्ग हम पृथ्वीवासियों से कोसों दूर स्थित कोई अलग ही दुनिया है। स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा क्या? तभी तो कहते हैं कि स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। अर्थात आप स्वर्गवासी तभी बन सकते हैं जब आप पृथ्वी से विदा होंगे। उसी प्रकार से नरक को एक ऐसी जगह माना गया है कि जहां पापी जीवन जीने वाले को जल्लाद के हाथों सजा खाने के लिए फेंक दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वर्ग और नरक का अस्तित्व समय के विभिन्न बिंदुओं पर यहीं इसी पृथ्वी पर होता है। वे दो अलग अलग स्थान नहीं हैं, अपितु इस विराट सृष्टि चक्र के अंदर की विभिन्न अवधियां हैं। क्या सचमुच ही इस पृथ्वी पर कभी स्वर्ग था? जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं वह स्वर्ण युग के दौरान स्वर्ग था, जब दिव्य गुंधरी मनुष्यों का समस्त पृथ्वी पर शासन था। यह आत्माएं सर्वगुण संपन्न और सर्व दोषों से मुक्त थी। वे सर्व दोषों से मुक्त रहती है इसलिए वह स्वर्ग में विशुद्ध खुशी का जीवन व्यतीत करती है। किंतु हम में से अधिकांश लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामोनिशान न हो यह तो केवल एक कल्पना की तरह ही है, क्योंकि जिस दुनिया में वर्तमान हम जी रहे हैं वहां तो सुख का नामोनिशान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि हम मान भी ले कि सचमुच ही इस पृथ्वी पर कभी स्वर्ग था, तो क्या कारण है जिससे यही पृथ्वी आज एक अराजक हिंसक जगह में तब्दील हो गई है? सीधे शब्दों में इसका उत्तर है, हमारे ही विभिन्न दोषों की वजह से हमने ही इस पृथ्वी को स्वर्ग से नरक बना दिया है, कि जहां आज हर आत्मा अपनी वास्तविक पहचान भूल चुकी है और जिस शरीर में वह निवास कर रही है मूर्खतावश उसी को अपनी पहचान समझ रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों का अधिपत्य स्थापित हो गया है। सर्वोच्च सर्वशक्तिमान फिर से इस धरा पर स्वर्ग की रचना करते हैं। विषयासक्त जीवन जीते जीते हमारे जीवन से खुशी पवित्रता शांति और शक्तियां क्षीण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हम एक दूसरे को दुख ही दुख देते रहते हैं। जब यह दुराचार अपनी चरम सीमा पार कर देता है तब सर्वोच्च सर्वशक्तिमान स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर हम भूली भटकी हुई आत्माओं को इस रसातल से बाहर निकालकर अपना वास्तविक परिचय देकर फिर से इस धरा पर स्वर्ग की रचना करते हैं। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर उस जागरूकता के साथ परमात्मा को याद करते हैं तब हमें स्वतः ही उनसे सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों की भेंट प्राप्त होती है, जिससे हमारे सारे पाप दग्ध हो जाते हैं और हम परम पवित्र बनकर फिर से स्वर्ग में प्रवेश पाने के योग्य बन जाते हैं। तो आइए आज से हम सभी स्वर्ग के सुख का अनुभव करने का कठिन पुरुषार्थ करें और नरक के दुखों से खुद को बचाएं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।